को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को ग्रहण करना चाहिए। अधिकारी को जितना रिस्पांस करना चाहिए जनता के कार्यों के प्रति, उतना रिस्पांस नहीं होता है, इसको हम स्वीकार करते हैं। हमारी पार्टी के साथी भी कई जगह कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में कई बार ऐसा हो चुका है कि मंत्रियों ने भी कहा है कि यहां सिर्फ अधिकारियों का राज है, यानी कि बिहार में अफसरशाही का राज है। इस बात को एक बार फिर से मुकम्मल कर दिया है, चरितार्थ कर दिया है जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने। पूर्णिया दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया ने सवाल पूछा तो जवाब इससे रिलेटेड उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि बिहार में अधिकारी सुनते नहीं हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जो निर्देश होते हैं, उनका जो फरमान होता है, उसको भी अधिकारी नाफरमानी कर देते हैं, उसको भी नागवार कर देते हैं। ये बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिया, हम नहीं कह रहे, उपेंद्र कुशवाहा का बयान आपको सुनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा दरअसल पूर्णिया गए थे और एक अपने दौरे पर थे, बिहार यात्रा पर थे, और इस दौरान अधिकारियों पर उन्होंने एक बार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, ये पूरा बयान सुनिए। आपके द्वारा कहा गया कि सभी कार्यकर्ताओं से मिले, आम जनता से मिले, उन लोगों की समस्याओं को सुना, सबसे बड़ी समस्या कुछ जनता के द्वारा क्या आया आपके सामने? देखिए, जनता के द्वारा अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या होती है। कई जगह पुल पुलिया सड़क वगैरह वगैरह, स्कूल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए, इस तरह की। एक जो जनरल लोगों का है कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी को जितना रिस्पांस करना चाहिए जनता के कार्यों के प्रति, उतना रिस्पांस नहीं होता है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लोगों ने जो कहा है इसको हम बता रहे हैं। अब अधिकारियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को ग्रहण करना चाहिए। ऐसी चीज मुख्यमंत्री जी टॉलरेट करने वाले नहीं है। हमारी पार्टी के साथी भी कई जगह कहते हैं कि अधिकारी पार्टी के जो अधिकृत लोग, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं या और संगठन से जुड़े हैं, उनकी बात अधिकारियों को सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, जो जायज काम है, उचित काम है, करें, जो जायज काम नहीं है उसको मत करें, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। तो कई जगह इस तरह की शिकायत मिलती है कि अधिकारी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, और इस तरह से नहीं चलेगा अधिकारियों के लिए भी। देखिए, इसमें बहुत सारी बात हो चुकी है और मुझको नहीं लगता है कि कोई अधिकृत व्यक्ति का बयान है जो आप बता रहे हैं। किसी अधिकृत व्यक्ति का बयान हो तो फिर उस पर चर्चा हो सकती है, अदरवाइज क्या चर्चा करें। सो मंत्री एनडीए से सर, मंत्री होना अलग बात है।